Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Another day, another video. कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे. और आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. अभी हो रहा था मॉर्निंग का टाइम. मैं सोचा क्यों ना आज से लाइफ जो है वो ब्लॉग बनाया जाए. तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. और यहाँ पर बन रही है चाय और बॉयल हो रहा है दूध. और ये मंगाई है मैंने तंदूर की रोटियाँ. और साथ में ही है लेफ्ट ओवर रात का सालन निहारी. तो फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद. अच्छा भाई, तो यहाँ पर हो गया था मेरा नाश्ता रेडी. और उसमें बनाई थी मैंने चाय. और जैसे कि लेफ्ट ओवर आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर निहारी थी और बहुत मज़े की बनी थी. और मेरा बहुत ज़्यादा वाला दिल चाह रहा था कि मैं निहारी के साथ तंदूर की फ्राइड रोटी खाऊं. तो बस मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली थी रोटी. और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं दिलाकर लेकर आई थी हूरब को ब्लैक बोर्ड. क्योंकि अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ उनके साथ करें कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो जिससे वो लर्न करना सीखें, यानी कि पढ़ना सीखें. तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है. ब्लैक बोर्ड हो गया और ABCD के अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं आजकल, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं. और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ब्लैक बोर्ड में कि यहाँ पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डी फॉर जो भी आता है वो यहाँ पर लिखा हुआ था, राइट हुआ हुआ था. और साइड में जो है वो काउंटिंग लिखी हुई थी. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. और माशाल्लाह मेरी हूरब जो है जब से ये आया है तो काफ़ी तवज्जो के साथ पढ़ रही है. तो आप लोग भी अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है और अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं या उनका जहन पढ़ाई की तरफ नहीं है तो इस तरफ की एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आएँ. और इससे ये है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ सकता है. मैंने मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करी हूँ. और यकीन करें मेरी बेटी इतनी तोड़फोड़ है कि बस ना पूछें कि आया आने की देर थी और हूरब ने उसको ख़राब करना था. उसमें डस्टर्ड था साथ में और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिला. 200 का मिल गया था, लोकल शॉप से मैंने लिया था और 200 का मुझे मिल गया था. और चॉक भी थी उसके साथ, डस्टर्ड भी था और पेन भी था एक अदद वाइट बोर्ड के लिए, क्योंकि इसमें वाइट बोर्ड भी है और ब्लैक बोर्ड भी है. तो फिर उसके बाद भाई यहाँ पर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. आज मैं बना रही हूँ लौकी. और लौकी जो है आज मुझे सुनने को मिलने वाली है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो लौकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है. तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और मेरा काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था कि मैं लौकी बनाऊँ. तो बस मैं यहाँ पर लौकी बनाने लग गई थी. और यहाँ पर मैंने ले ली थी एक अदद प्याज जो कि उसको चॉप कर लिया था. मैंने हरी मिर्चें ले ली थी और साबुत मिर्चें जो होती हैं लाल वो ले ली थी. थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया था मैंने. और आप को अगर कड़ी पत्ता मिल जाए तो आप कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे कड़ी पत्ता मिला नहीं था तो इस वजह से मैंने कड़ी पत्ता लिया नहीं था. ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑयल में प्याज डालनी है और साथ में ज़ीरा भी डाल देना है. और साथ में ही दो लाल मिर्चें मैंने ले ली थी वो डाल दी थी. और साथ में ही कड़ी पत्ता आपने डाल देना, समझ लीजिए आपका भगार है. और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है, कुटी हुई मिर्चें डालनी है, नमक डालना है और फिर लौकी डाल दें और टमाटर डाल दें. और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दें और ये खुद ही अपने पानी जो छोड़ेगी उसमें गल जाएगी. मेरे पास यहाँ पे पतीली जो है वो छोटी पड़ गई थी, लेकिन ये है कि मैंने मैनेज कर लिया था. और आप लोग कोई भी अपने हिसाब से ले लीजिएगा. तो बस जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब करें. माशाल्लाह इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास. और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. हूरब के नाम से आईडी है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी. और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें भाई. तमाम नोटिफिकेशन जो हैं आपको वहाँ से मेरी मिलती रहेंगी क्योंकि मैं वहाँ पर स्टोरीज़ लगाती रहती हूँ. तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए कॉन्टेंट के साथ. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बेहद ख्याल रखिएगा. और इस भुजिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी थी. और आप चपाती के साथ सर्व करें या फिर दही के रायते के साथ, मुझे तो अच्छी लगती है और मैंने दही के रायते के साथ खाई थी. आप लोग भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करती हूँ. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.